नमस्कार दोस्तों, सौरभ ज्ञानियर चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको स्पोरिडेक्स 500mg कैप्सूल के बारे में जानकारी देंगे। हम इस वीडियो में जानेंगे कि इस कैप्सूल का इस्तेमाल किन किन समस्याओं में किया जाता है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसकी डोज के बारे में, इसकी मार्केट प्राइस कितनी होती है, इसके कंटेंट, साइड इफ़ेक्ट, इन सब के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको स्पोरिडेक्स 500mg कैप्सूल के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। फ्रेंड्स, इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे चैनल सौरभ ज्ञानियर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर दवाइयों से जुड़ी जानकारी मिलती रहती है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, बात करें स्पोरिडेक्स 500mg कैप्सूल के मार्केट प्राइस की, तो इसकी मार्केट प्राइस 230 रुपये है और इस कैप्सूल की मार्केट प्राइस समय के साथ साथ कम या ज़्यादा हो सकती है और यह कैप्सूल 10 कैप्सूल की एक स्ट्रिप में आता है। बात करें इस कैप्सूल की कंपनी के बारे में, तो इसे सन फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा बनाया जाता है। फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं इस कैप्सूल के कंटेंट के बारे में। इस कैप्सूल के कंटेंट में सिफालेक्सिन होता है, जो कि प्रत्येक कैप्सूल में 500mg होता है। और आइए जान लेते हैं स्पोरिडेक्स 500mg कैप्सूल के यूजेस के बारे में, इस कैप्सूल का इस्तेमाल किन किन समस्याओं में किया जाता है। फ्रेंड्स, यह एक एंटीबायोटिक दवा है, जो कि यह सिफोलोस्पोरिन ग्रुप की दवा है। इसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। यह बैक्टीरिया के विकास को रोकता है, बैक्टीरिया को मारता है, जिससे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन ठीक हो जाते हैं। तो इसके यूजेज की बात की जाए, तो इसका इस्तेमाल गले में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, गले में खराश हो, खांसी आ रही हो, इसके अलावा दर्द हो या सूजन हो, या टॉन्सिल की समस्या हो और कुछ निगलने में परेशानी हो रही हो, तो उसे ठीक करने के लिए इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा RTI यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि वायु नली या फेफड़ों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, जैसे कि निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, इन सबको ठीक करने के लिए इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। इस कैप्सूल का इस्तेमाल स्किन इन्फेक्शन में भी किया जाता है, जैसे त्वचा में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, त्वचा में लालीपन या सूजन हो गई हो, त्वचा में खुजली हो रही हो, दाने निकल गए हों, तो उसे ठीक करने के लिए इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कान में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, कान से पानी निकल रहा हो, कान में फुंसी हो गई हो, दर्द या सूजन हो रहा हो, तो उसे ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा UTI यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे पेशाब संबंधी समस्याएं, जैसे पेशाब में जलन होना, पेशाब बार बार होना, पेशाब करते समय दर्द महसूस होना, पेशाब नली में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाना, इन सबको ठीक करने के लिए इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दांतों या मसूड़ों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, तो उसे ठीक करने के लिए इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हड्डियों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, हड्डियों के जोड़ों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, तो उसे ठीक करने के लिए इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा नाक में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, नाक में फुंसी हो गई हो, तो उसे ठीक करने के लिए इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। प्रोस्टेट ग्रंथ में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, या सूजन आ गई हो, या किडनी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, तो उसे ठीक करने के लिए इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यह सबको रिलैक्स करके उसे ठीक करने का काम करता है। फ्रेंड्स, स्पोरिडेक्स 500 कैप्सूल के ये मुख्य यूजेज हैं। इसके अलावा कई अन्य बैक्टीरियल में भी इस कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए जान लेते हैं इस कैप्सूल की डोज के बारे में, इसको कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। इस कैप्सूल की नॉर्मल डोज एक एडल्ट व्यक्ति में एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम को खाना खाने के बाद लिया जा सकता है। इस कैप्सूल को लेने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें, तभी इस कैप्सूल का इस्तेमाल करें, क्योंकि इस कैप्सूल की डोज एज और वेट के हिसाब से कुछ व्यक्तियों में अलग अलग होती है और समस्या के ऊपर निर्भर करता है कि कितने दिन तक इस्तेमाल करना है। तो डॉक्टर आपको जितनी मात्रा में इस कैप्सूल का इस्तेमाल करने को कहें, आप उतनी मात्रा में इस कैप्सूल का इस्तेमाल करें। प्रेग्नेंट वोमेन और ब्रेस्ट फीडिंग मदर को इस कैप्सूल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और आइए जान लेते हैं स्पोरिडेक्स 500mg कैप्सूल के साइड इफ़ेक्ट के बारे में, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं।
इस कैप्सूल के साइड इफेक्ट में जी मचलाना, उल्टी आना, पेट में दर्द होना, गैस बनना, इसके अलावा दस्त होना और कुछ एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यह थी हमारी आज की जानकारी स्पोरिडेक्स 500mg कैप्सूल के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।